रिपोर्ट नहीं आया था अभी तक। नमस्कार साथियों, किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती, और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के दो अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है, ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये दो अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा, और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों का की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ, ये एक टूलकिट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूलकिट मोदी जी का अपना टूलकिट है। हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जांच एजेंसियों को, हम चाहते हैं वो शक्तिशाली रहें, वो निर्भीक रहें, वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम न करें, स्वायत्त रहें, ऑटोनोमस रहें जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। आप इन एजेंसीज को मजबूत कीजिए, मजबूर मत कीजिए, हमारी आपसे सिर्फ यही शिकायत। दे आर नॉट योर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है मोदी जी कि पहले ये जाते हैं फिर आप नड्डा जी को भेज देते हो लिस्ट कि ये 5-6 लोग काबू आ गए, इनको आप ले लीजिए भाजपा में। ये क्या तरीका बना रखा है आपने राजनीति का? 95% से ज्यादा ईडी केस अगर विपक्ष के नेताओं पर होता है तो सब कुछ सामने है आपके। मैं विनीत जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक डायरेक्टरी रिलीज करें, अब एड्रेस हो उसमें, फोन नंबर हो उसमें, किसके, नारायण राणे के, अजीत पवार के, शायद ईडी के पास ये एड्रेस और फोन नंबर अब नहीं है, हम दे देते हैं, क्यों नहीं जाते आप वहां, क्या हो गया, साहब से इशारा नहीं हुआ, कुलदीप बिश्नोई क्या क्यों नहीं जाते, अब अजीत पवार को भूल गए आप, शुभेंदु अधिकारी को भूल गए आप, ये सिलेक्टिव मेमोरी लॉस क्यों है ईडी में?
हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे प्रिय, उनको तो बिल्कुल ही भूल गए, उनका नाम कहां कहां था सबको मालूम है, व्हाइट पेपर यही भाजपा निकालती थी, कहां है व्हाइट पेपर, कहां है ईडी। हकीकत यह है कि इस सब का एक कॉमन जवाब है, जो जो नाम मैंने आपके सामने लिए, कि जब इनके भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है ना, तो ईडी को अब करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी के यहां, हिमंता बिस्वा शर्मा के यहां, नारायण राणे के यहां, इन अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड़ में धुलकर साफ हो गए। बताइए कोई कीचड़ में धुल के साफ होता है? होता है, यहां होता है। उसी कीचड़ में इनको नहलाया जाता है, उसी में कमल खिलता है और खत्म, फेयर एंड लवली। लेकिन अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा, कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए। एक ये गंभीर खतरा है देश के सामने। दिस इज अ वेरी, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, इट्स समथिंग वेरी सीरियस, वेयर आर सपोजिटली इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसीज आर बींग कंप्लीटली डिमोलिश्ड बाय द रिजीम। ऐसा खतरा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे, बर्बाद कर रहे। अब मजाक हो गया ईडी का। पहले अड़ोस पड़ोस में कोई ईडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते थे मेरे पिताजी ईडी में, अब बेचारे शर्माते हैं बोलते हुए। ये हालत बना दी इन एजेंसीज की मोदी जी ने। थोड़े दिनों में भाजपा बोलते हुए लोगों को शर्म आएगी कि साहब मैंने कभी भाजपा को वोट दिया। ये स्थिति बन रही है देश की। आपके सवाल। एड ऑन कर रही हूं। और इसके अलावा आपके एक मंत्री हैं महेश जोशी, उनके ओएसडी के यहां भी ईडी की एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, पहले भी हो चुकी है, तो उस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं सर? जैसा मैंने आपको कहा, 5 राज्यों में चुनाव हैं, 2 में कांग्रेस है, इन 5 राज्यों को भी चलिए अलग कर दीजिए। हिमाचल में थोड़े वक्त पहले ही चुनाव हुए थे, गुजरात में हुए थे। आपने देखा कि ईडी गुजरात के किसी मंत्री के यहां रेड डालने गई हो? रूलिंग पार्टी पिछले 20-25 सालों से, 27 सालों से रूलिंग पार्टी है, नहीं गई। क्यों नहीं गई? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी हाल ही तक चुनाव थे। समझ में आता है कि चलिए चुनाव में ही सक्रिय होती है एजेंसी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं हुआ हिमाचल में ये रेड? सब कुछ सामने है। जहां कांग्रेस का शासन है, जहां गैर भाजपा का शासन है और वो पार्टी इनके काबू नहीं आ रही, वहां ये लोग रेड डालने अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भेज देते हैं डराने धमकाने। उनको जो सलाह वकील ने दी होगी उन्होंने वो किया होगा, उसमें मैं प्रतिक्रिया क्यों दूं, ना तो मैं वकील हूं उनका। आपने मास्क पहना हुआ है सर? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, एक क्वेश्चन उस पर भी है लेकिन वो बाद में। सर ईडी से रिलेटेड ये है कि छत्तीसगढ़ में सीएम ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने बोला है कि जो ईडी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं रेड्स के लिए भी आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो पैसा भेज रही है स्पेशल फ्लाइट से सीआरपीएफ के ऑफिसर्स के लिए भी। कुछ भी संभव है इस शासन में, कुछ भी संभव है। जो हमको लगता था कि हिंदी पिक्चरों में या दक्षिण भारत की पिक्चरों में देख के हम अचंभित हो जाते थे कि एक पिक्चरें अजीब सी बना रहे हैं, ये समाज में कभी होता है? लेकिन ये होने लग गया है, ये हो रहा है।
तो जो बघेल साहब ने आरोप लगाया है इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। हवाई जहाज क्यों नहीं चेक होते जिसमें ये लोग जाते हैं? मुझे याद आता है आज से 10 साल पहले शीला जी के साथ हम किसी प्रचार में बिहार के चुनाव में गए, 10-15 साल पहले, हेलीकॉप्टर को ऐसे जांचते हैं चुनाव आयोग वाले, बैग पर्स मुख्यमंत्री हो कोई हो सबके जांच होती थी। लेकिन यहां तो अभी अजीब सी स्थिति है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना गंभीर आरोप लगा रहा है, तुरंत इनको बघेल साहब के इस आरोप पे कार्रवाई करनी चाहिए। पवन जी, अभी आपने आरोप लगाया कि ईडी की सारी कार्रवाइयां जो है कांग्रेस शासित राज्यों में होती हैं, उसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ में भी दो व्यापारियों के यहाँ ईडी की छापेमारी अभी चल रही है। उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन ये भरोसा रख कर लीजिए कि भाजपा से संबंधित नहीं होगा, वहां आंख मूंद लेते हैं, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो वो वाली मुद्रा में आ जाते हैं। जो दमघोटू हवा है दिल्ली में, जो सांस जिंदगी छीन रही है, लेकिन केजरीवाल साहब मध्य प्रदेश में कहते हैं कि जो दिल्ली की जनता ने करिश्मा कर दिखाया आम आदमी पार्टी के लिए और पंजाब की जनता ने, वो मध्य प्रदेश की जनता से मैं अपील करता हूं कि करिए, तो ये करिश्मा है दिल्ली की। चुनाव प्रचार में कौन कितना क्या बोलता है वो आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या है कि वो नरेंद्र मोदी जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, आपातकालीन बैठक इनको बुलानी चाहिए, इस पे तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है कि साहब मेरी कमीज, अब तो कमीज सफेद रहती नहीं है दिल्ली में, तो ये भी नहीं कह सकते मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे। हमने वो दौर देखा था जब एक घंटे में सफेद कमीज काली हो जाती थी दिल्ली में की सड़कों पर, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, प्रभावी कदम उठाए गए और उस वक्त के विपक्ष ने भी काफी साथ दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, हम सब साथ देने को तैयार हैं। आप लोग बैठिए, शुरू तो करिए, कोई प्रभावी कदम उठाने की दिशा में कुछ तो करिए, यही हमारी उनसे आग्रह है। सर, अगर उनको ऐसा है तो कल बात हो ही गई, जवाब दे ही चुके हैं, इसमें बार बार क्यों रिपीट क्यों करवाते हो? कुछ भी पूछना अभी पूछ लीजिए, फिर फ्लाइट लेनी है तो भागना है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि लगातार इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के जरिए आप लोग तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन और हमास का समर्थन करने को आप तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों में फायदा लेने के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम अपने तमाम स्टेटमेंट भेज देते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अलग अलग तरीके से इस देश के मुद्दों से ध्यान कैसे बटाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। हम भी सीखना चाहते हैं साहब, बड़ी बखूबी आप ध्यान बटाने का काम करते, आइए ना सिलेंडर की कीमत पर आइए ना, दिल्ली की पोल्यूशन पर बात करिए ना, महंगाई पर पूरी बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, महिला सुरक्षा पर बात करिए, क्यों मुद्दों से ध्यान हटाते हो? जाति जनगणना पर बात करिए। अब मोदी जी कल छत्तीसगढ़ गए, इनकी स्क्रिप्ट राइटर भी मुझे लगता है अब थक गया है, स्क्रिप्ट राइटर अब बदल भी देंगे तो लेट हो गया, वही वही पुरानी बात, मैं ओबीसी हूं मेरे को गाली दे दी। अरे आप ओबीसी हैं आपको गाली दे दी, ये क्या मुद्दा है ओबीसी की? हमने तो आपको जाति जनगणना की मांग की, उस पर जवाब क्यों नहीं देते? ये सब सवालों से बचने का एक ही रास्ता है, लेफ्ट हाथ क्या कर रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाए तो राइट हाथ से कुछ कर देंगे, आपका ध्यान यहीं रहेगा, इधर से एयरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, तो हमेशा राइट हाथ जो कर रहा है वो मत देखिए, लेफ्ट में क्या चल रहा है वो देखिए। दर्ज किए
कौन सांपों का व्यापार करते हैं? ये एल वी यादव। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आपने जो भाजपा का नाम लिया था। एल वी यादव। अच्छा, गांधी ने बाकायदा कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग आइडल है जिनको सीएम, स्टेट के सीएम प्रॉपर रैली करते हैं, तो ये एक सवाल। वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं? और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं, पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। फिर आपको कहीं और ले जाएंगे, इसराइल विजराइल कुछ बात करने लग जाएंगे, उनको बोलिए इस पर भी जवाब दीजिए। सर one more question, sir, as the election campaigning is going on in Telangana now, KTR has responded to all the claims which are being made by the Congress party, and he has called Revanth Reddy as well as Rahul Gandhi pappu. What is your response to that, sir? Obviously he will do what he is his master's voice, his master is sitting in Delhi, so whatever the master will say he will also repeat, but he doesn't realize all these scripts are outdated, they are gone. They should come up with new script writers, and Telangana has a very rich culture of script writing. They should just borrow from the film industry if they don't have their own script writers. मैंने देखा नहीं, किसी आधिकारिक रूप से मेरे हमारे पास ये सूचना आई नहीं है, तो इस पे मैं भी टिप्पणी क्यों करूं। अभी हमारा ध्यान 5 राज्यों के चुनाव पर है। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आज वन ऑन वन नहीं, मैं माफी